यहाँ का जो आर्मी कैंप है आरआर वाली है, उसी का मार्केट हमारा है, वहाँ से निकलकर हमारे दुकानदार को बुलाया, तो ये वहाँ गए 4 बजे, तो एक एक करके उनकी मारपीट की गई विदाउट एनी रीजन, कोई जवाब नहीं बनता था, कोई ऐसा यहाँ कोई वाक़ा नहीं हुआ था, कुछ उनका वो उधर बोर्ड था वही उनको गुम हो गया था, वो दुकानदारों पर उनने ये इल्ज़ाम डाला कि हमको वो निकाल कर दे दो। उसी दिन यहाँ 6 मकानों की चोरी भी हो गई थी, तो जब हमारे घर लूटे गए तो उनकी वो जो रास्ते में बोर्ड था तो उसके हमारे साथ कौन सा वास्ता था, उसको बहाना बनाकर हमारे दुकानदारों को पीटा गया, तो फिर हम ये मामला ये फरियाद SHO साहब के पास लेकर गए। SHO साहब ने बोला कि उसे फ़ोन किया, तो फ़ोन के बाद ये मामला तय हुआ कि हम मिलजुल कर ये बात करें कि मामला क्या हुआ, फैसला सुबह करेंगे। तो आज जब दुकानदार दुकानों पर उन्होंने दुकानें नहीं छोड़ी कि ये बरसर अभी भी बरसर है, जाके मुतमईन नहीं हुए SHO साहब की बात से, बोला कि हम यहाँ बेबस हैं, हमको एक मुकम्मल और कंक्रीट तहफ़ चाहिए कि आए हमारा के इसके साथ क्या वास्ता है, उनका जंग जो वहाँ भी मुसल्ले है यहाँ भी मुसल्ले, उनके साथ हम नहके हैं, मजलूम हैं, बेबस हैं, मगलूब है, तो हमारे साथ हमें इंसाफ चाहिए, बस ये हमारा इस वक्त का एहतजाज का मतलब है।